हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए, कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान टीका लगवाने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, अनिल विज कोरोना पीड़ित होने के बाद अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अनिल विज हरियाणा के गृहमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लिहाजा उन्होंने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल्स में खुद हिस्सा लिया था, शामिल हुए थे। वो वॉलंटियर बनकर उन्होंने 20 नवंबर को बाकायदा टीका लगवाया था। ये उसी की तस्वीरें आपके सामने है। 20 नवंबर कोवैक्सीन का टीका लगाया गया था अनिल विज को। ये इस वैक्सीन के तीसरे दौर का ट्रायल था, इसमें शिरकत की थी अनिल विज ने बड़ा संदेश देने के लिए, लेकिन अब अनिल विज कोरोना पॉजिटिव। तो पहली डोज अनिल विज को दी गई थी इस वैक्सीन की 20 नवंबर को, 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जानी थी और इस दौरान उनमें एंटीबॉडी बनने का अध्ययन किया जाता। हालांकि अब खबर यह आ रही है कि अनिल विज कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, वो अंबाला के अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल में, तीसरे चरण के ट्रायल में अनिल विज ने वॉलंटियर किया था, उन्होंने खुद टीका लगवाया था और ऐसे में 20 नवंबर को पहली डोज लेने के बाद 28 दिन बाद उन्हें इसको वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी थी ट्रायल में शिरकत करते हुए, लेकिन उससे पहले ही अनिल विज कोरोना पॉजिटिव। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है। जगविंदर, क्या अपडेट मिल रहा है, कैसी हालत है अनिल विज की? हालत उनकी ठीक है, लेकिन सिम्टम आने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया, वहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, उनको आइसोलेट किया गया है वहां पर। अनिल विज खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, गृह मंत्री होने के साथ साथ हरियाणा का स्वास्थ्य का प्रभार भी उन्हीं के पास है। तो बड़ी बात यही है कि क्या 28 दिन पूरे ना होने के कारण, क्योंकि अभी उन्हें ये ट्रायल वैक्सीन लिए हुए 28 दिन नहीं हुए हैं, तो बड़ी बात यही है कि क्या जो भी आदमी वैक्सीन आने के बाद कोरोना का उपचार करवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, वो टीका क्या उन्हें इसी तरह अंतराल के बाद लगा करेगा? ये सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रायल वैक्सीन लगवाने के बाद अनिल विज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो आम जनसाधारण के मन में भी यही सवाल उठता है कि भाई कितनी डोज लेनी पड़ेगी और कितने दिन के अंतराल पर लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टरों को अब इस बात पर और गंभीरता से विचार विमर्श करने का और आपस में जो है वो अभी तो ट्रायल चल रहे हैं ना, अभी तो ट्रायल चल रहे हैं, अभी तो पता ही नहीं है कि वैक्सीन जब आएगी तो वैक्सीन का एक डोज होगा, दो डोज होगा। फिलहाल ये जो वैक्सीन कोवैक्सीन जिसके तीसरे चरण के ट्रायल में अनिल विज शामिल हुए और अब ये खबर आती है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार ही मौजूद है, जरा उनसे ही समझ लेते हैं कि डॉक्टर अंशुमन, तीसरा चरण था ट्रायल्स का इस वैक्सीन के और उसका 20 नवंबर को डोज लिया था अनिल विज ने और आज खबर ये कि वो कोरोना पॉजिटिव, कैसे देखा जाए? जी, दो स्थिति निकल के आ रही है, एक उन्होंने वैक्सीन लिया था, दूसरी बूस्टर डोज जिसको बोलते हैं 28 दिन के अंतराल पर दूसरी डोज लगनी थी, उसके पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए। पहली स्थिति तो ये बन गई है कि कोरोना संक्रमण के जितने केसेस भारत में हैं, तो हो सकता है अनिल विज को नॉर्मल कोरोना संक्रमण ही हुआ, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद प्रतिरोधक क्षमता बनने में समय लगता है, उसके पहले ही इन्फेक्शन हो गया। दूसरी स्थिति बनती है जिसकी संभावना थोड़ी कम होती है कि वैक्सीन का ही साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया, कहीं वैक्सीन के कारण कोरोना नहीं हो गया, क्योंकि जो कुछ वायरस, कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिसमें एटेन्यूएटेड वायरस, एक्चुअल वायरस ही रखा गया है, ना कि जैसे मॉडर्ना कंपनी का वैक्सीन है, मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन था, उससे डिफरेंट था। तो दो स्थिति निकल के आ रही है, या तो संक्रमण हुआ है या कोरोना वैक्सीन का साइड, अब उसको ऐसे नहीं। तो ये जो पूरा ट्रायल होता है इसका प्रोसेस क्या होता है? ट्रायल का प्रोसेस फेज वन और फेज टू ट्रायल के बाद पूरी तरह जांच लिया जाता है, दो चीजें इंश्योर की जाती है कि प्रोटेक्शन लेवल वैक्सीन में है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज सेफ्टी, जब देखा जाता है वैक्सीन सेफ है, सेफ से मतलब पहली बात कि वैक्सीन के कारण संक्रमण तो नहीं हो रहा है, और दूसरी बात एडवर्स इवेंट जैसे न्यूरो की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम या और कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फेज थ्री ट्रायल मीन करते हैं। फेज थ्री ट्रायल है ह्यूमन वॉलंटियर ट्रायल, जिसमें कि कुछ लोग वॉलंटरली कहते हैं कि मेरे ऊपर वैक्सीन लगाया जाए, मैं तैयार हूं, जिसमें अनिल विज ने भी कहा था। ये तब तक साइंटिस्ट और डॉक्टर ये मान चुके होते हैं वैक्सीन मोटे तौर पे सेफ है, लेकिन क्यों किया जाता है ह्यूमन वॉलंटियर ट्रायल, फेज थ्री ट्रायल? उसका पर्पस ये है कि दो तरह की चीजें होती, इन विट्रो एंड इन वीवो। इन विट्रो का मतलब लेबोरेटरी में जो चीजें आपने पाई,
मतलब जानवरों पे रिसर्च करके या लेबोरेटरी के किट में देखा, और इन वीवो मतलब इंसान को जब ये वैक्सीन लगाया जाएगा तो क्या इसका असर होगा, इन वीवो ट्रायल फेज 3 ट्रायल को बोला जाता है, इसमें उतारा जाता है। तो आप ये बता रहे हैं कि ये जो फेज 3 ट्रायल है जिसमें शिरकत की थी अनिल विज ने, दरअसल फेज 3 ट्रायल में ही इंसानों को शामिल किया जाता है। पहले के जो 2 ट्रायल होते हैं वो इन विट्रो ट्रायल्स होते हैं जिसमें ये चेक कर लिया जाता है कि भाई ये जो वैक्सीन दी जा रही है इसमें प्रोटेक्शन लेवल है या नहीं, ये जो वैक्सीन दी जा रही है ये सेफ है या नहीं, यही आप कह रहे हैं ना? जी, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, दूसरा इन विट्रो और पार्शियल सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन विवो जिसमें बहुत सिलेक्टेड वॉलंटियर्स होते हैं, तब लाया जाता है नॉन स्पेसिफिक ग्रुप जिसमें अलग अलग सेगमेंट के लोग होते हैं जो फेज 3 ट्रायल होगा, इसके बाद आएगा पब्लिक यूज। पब्लिक यूज से पहले अगर साइड इफेक्ट आने लगे तो वैक्सीन के ट्रायल को हमें रोक देना पड़ता है, या फॉर दैट मैटर किसी भी दवा के ट्रायल को रोकना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। लेकिन अनिल विज के केस में संभावना ज्यादा लग रही संक्रमण की, अभी वैक्सीन का इफेक्ट है कहना मुश्किल। सर ये भी बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि भाई 28 दिन के बाद इसका दूसरा डोज दिया जाना था, तो इस वजह से क्योंकि वो बूस्टर डोज नहीं दिया गया तो क्या इस वैक्सीन को लेकर कोई जजमेंट यहां पर पास किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बूस्टर डोज का पर्पस क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। पहला डोज आपने दिया, शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया और इसकी मात्रा इतनी नहीं हुई कि प्रोटेक्शन इस कोरोना के संक्रमण से हो सके, तो 28 दिन के बाद आपने बूस्टर दिया। बूस्टर का सिंपली मतलब है कि एंटीबॉडी के स्तर को बढ़ा देना, सेकेंड डोज को मतलब चैलेंज डोज और आपने दिया, लेकिन संक्रमण उसके पहले हो गया तो अभी प्रतिरोधक क्षमता इनकी उतनी बनी नहीं होगी और संक्रमण हो सकता है। तो मतलब ये कि ये जो मामला सामने निकल कर आया है कि 20 नवंबर को एक डोज दी गई थी अनिल विज को, 28 दिन बाद उन्हें बूस्टर डोज मिलना था, उससे पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब ये कि वो जो वैक्सीन का ट्रायल था वैक्सीन फेल नहीं हुई है, वैक्सीन फेल नहीं हुई है अंशुमन कुमार? नहीं, बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। संक्रमण पहली संभावना और दूसरी संभावना वैक्सीन के कारण ही इनको इफेक्ट आया, कोरोना हो गया, इसकी दूसरी संभावना बिल्कुल इससे नकारा नहीं जा सकता है कि वैक्सीन फेल नहीं हुई है, इसलिए पहली संभावना संक्रमण और दूसरी संभावना वैक्सीन का साइड इफेक्ट। तो दर्शकों को जरा आसान शब्दों में आप ये बताइए, और क्योंकि मुझे लगता है इस खबर से डर भी फैल सकता है कि साहब देखिए इन्होंने तो वैक्सीन के ट्रायल में शिरकत ली थी, इन्होंने तो वैक्सीन का एक डोज ले लिया था, फिर इनको कोरोना क्यों हो गया, एक लेमैन के दिमाग में ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो उस भ्रम को दूर करना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, इसको दूर करने की जरूरत है। देखिए फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन लेवल, दूसरा है सुरक्षा, वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। अगर दोनों ट्रायल में वैक्सीन पास हुई है तो ये संभावना कम होती है कि वैक्सीन फेल हो गई है, ये संभावना ज्यादा होती है कि नॉर्मल कोरोना का संक्रमण जैसे आम व्यक्ति को हो रहा है अनिल विज को भी हुआ होगा, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के दरमियान इनको बाहर भी जाना होगा, हॉस्पिटल भी गए होंगे, कई लोगों से मिले भी होंगे, तो कोरोना का संक्रमण हुआ पहली संभावना। इसलिए जिनको भी आगे कोई भी वैक्सीन लॉन्च होता है और वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो जब तक बूस्टर डोज लेके इम्यूनिटी लेवल नहीं आती तब तक आपको कोरोना का वैक्सीन लेना ही है, ये सबके लिए मान्य है। तो मतलब ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन को लेकर किसी तरीके का जजमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, फेज 1 फेज 2 में ये वैक्सीन पास होकर निकली है, इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन लेवल सेफ्टी लेवल के हिसाब से वैक्सीन सही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अनिल विज ने जब वैक्सीन ली तो उन्हें अभी एक दूसरा डोज बूस्टर डोज मिलना था, और ऐसे में अनिल विज वो कोरोना की चपेट में जिस तरीके से आए हैं वो इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी दी जाती है वैक्सीन में, इसी तरीके से वैक्सीन काम करती है। जी जी जी, एंटीजन दी जाती है, सॉरी एंटीजन दी जाता है जी, वायरस थोड़े अमाउंट में डाला जाता है, दिया जाता है ताकि एंटीबॉडी बने, सही। लेकिन कभी कभी ये वायरस इटसेल्फ क्योंकि इसकी मारक क्षमता कम कर दी गई है संक्रमण करा देता है, इसलिए अभी क्योंकि बूस्टर डोज नहीं मिला था तो हो सकता है इनको नॉर्मल संक्रमण हुआ है कोरोना का, लेकिन इसको नकारना बिल्कुल भी गलत होगा जब तक कि साइंटिस्ट जो उस रिसर्च स्टडी में मौजूद है साइंटिस्ट वो जब तक नकार देते हैं कि हाँ वैक्सीन की कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है तब तक इस पे जजमेंटल नहीं होना चाहिए और डरने की जरूरत नहीं। तो सर जो सैंपल साइज होता है इस तरीके की वैक्सीन के ट्रायल्स में उसमें कितनी पॉपुलेशन में अगर एक तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो फिर वैक्सीन को पास या फेल माना जाता है? सैंपल साइज तो वैक्सीन का जैसे एक स्टडी में 28,000 सैंपल साइज है, 72,000 सैंपल साइज है, ये तो अलग बात है, लेकिन साइड इफेक्ट अगर एक में भी आया
और डायरेक्टली लिंक कर दिया गया साइड इफेक्ट को वैक्सीन से, तो वो सिग्निफिकेंट हमारे लिए माना जाता है, जिसको कहते हैं टेक्निकली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। मतलब ये सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट है, एक इंसान में भी ऐसा साइड इफेक्ट हो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसमें सैंपल साइज इससे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट लिंक कितना है इसका वैक्सीन से। अगर ऐसा साबित हो जाता है तो वैक्सीन को फेल माना जाता है। तो फिर अब यहां से ये जो वैक्सीन जिसका ट्रायल चल रहा था, और अब आपको क्या लगता है किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाएगा अनिल विज को, और आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है? जी, अब जो आपने बात की सैंपल साइज की, अब इस वैक्सीन का सैंपल साइज पूरा देखा जाएगा। उसमें अनिल विज जी को संक्रमण हुआ, एक केस हुआ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि इस वैक्सीन में एक्स अमाउंट, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 केसेज का सैंपल साइज है, एक मरीज को हुआ, लेकिन बाकी किसी को ऐसा संक्रमण नहीं हुआ, तो ये माना जाएगा इनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए। मतलब इनको देखा जाए किन किन के संपर्क में आए, उनकी जांच की जाए, क्या उनमें कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कोरोना के तो नहीं थे, उनसे इनको संक्रमण हुआ, मतलब वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरह से हम लोग रूल आउट करते हैं अगर किसी और को नहीं हुआ तो। अगर सिग्निफिकेंट लोगों को, काफी लोगों को कोरोना का संक्रमण इसी दरमियान वैक्सीन के बूस्टर डोज लगने से पहले होने लगा, तो इसका मतलब है वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा। इसके साइंटिस्ट इस स्टडी को करेंगे और उसके बाद बताएंगे। और सर, अगर ये साइड इफेक्ट नहीं पाया जाता है इस वैक्सीन का, तो फिर दूसरी वजह क्या सामने निकल कर आ सकती है इस कोरोना संक्रमण की? वो ये निकल कर आ सकती है कि जब तक बूस्टर डोज नहीं मिलेगा तब तक ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी, फिर दूसरा पॉइंट ये निकल कर आएगा। जी बिल्कुल, जब तक बूस्टर डोज नहीं है तब तक एंटीबॉडी लेवल, बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का स्तर इतना नहीं पहुंचा कि आप कोरोना से बच सकेंगे, तब तक आपको प्रोटेक्शन लेना है, सेल्फ प्रोटेक्शन, जिसमें स्टैंडर्ड जो एडवाइजरी है, हैंड सैनिटेशन, मास्क, डिस्टेंसिंग, उसका प्रिकॉशन आपको लेना ही बूस्टर डोज लगने तक। तो डॉक्टर अंशुमान, अब हम जैसे आम लोगों, क्योंकि आप तो सर डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, पर हम जैसे आम लोगों के मन में फिर सवाल ये आता है कि फिर पहले डोज का मतलब ही क्या? अगर पहला डोज कोरोना से नहीं बचा पा रहा है, अगर पहले डोज के बाद जब तक बूस्टर डोज ना लगे तब तक कोरोना के संक्रमण के चपेट में आप आ सकते हो, ये बात सामने निकल कर आती है, तो फिर पहला डोज क्यों? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मेडिसिन और वैक्सीन में अंतर समझना चाहिए। मेडिसिन किसी बीमार को दिया जाता है तो पहले खुराक से ही असर आने लगता है। हम कहते हैं कि पहली दवा ली और हमारा बुखार उतर गया, जो भी तकलीफ थी आपकी। लेकिन वैक्सीन में आप प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कराते हैं, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता स्लोली क्यों डेवलप कराते हैं? कोरोना के संक्रमण होने में एक ही बार संक्रमण हुआ, एंटीबॉडी लेवल बॉडी में बन गई, लेकिन उसमें रिस्क रहता है साइड इफेक्ट का। मतलब कुछ लोगों की जान चली जाती है, कुछ लोगों को वेंटिलेटर पे, कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी। वैक्सीन में खास बात क्या की जाती है कि साइड इफेक्ट को खत्म किया जाता है, और इसकी एंटीजेनिक लेवल, जिसको कहते हैं एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यून बूस्टिंग लेवल, तो पहली डोज में कम और दूसरी डोज में और ज्यादा बढ़ाएं। ये स्टेप लैडर पैटर्न में बढ़ाते हैं ताकि कोरोना का संक्रमण या कोई साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता रहे। ये वैक्सीन के काम करने का तरीका। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी आसान भाषा में दर्शकों को समझाने के लिए, क्योंकि कई तरीके के सवाल लोगों के मन में आ रहे थे ये खबर देखने के बाद कि साहब अनिल विज तो वैक्सीन के जो तीसरा ट्रायल हो रहा था, तीसरे चरण का ट्रायल हो रहा था, उसमें शिरकत कर रहे हैं और उनको कोरोना हो गया। तो कुल मिलाकर यहां से वैक्सीन को लेकर किसी तरीके का भ्रम अपने मन में मत लेकर आइए, अभी वैक्सीन ट्रायल स्टेज में है, इंतजार कीजिए।